है आज यहाँ अंजो डिस्ट्रिक्ट में आने का साथ साथ दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का हम लोग ने उद्घाटन किया है। एक हो गया हम लोगों का जो JNV स्कूल बिल्डिंग हवाई में, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स JNV स्कूल को बना के हम लोग ने डेडिकेट किया है। उसको शुरुआत जब हो रहा था तो उसमें लेट अपना यहाँ के विधायक और हमारा राज्य का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट कलिकुपुल जी का काफ़ी उनका इनिशिएटिव रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त में जो फंडिंग हुआ था काफ़ी कम फंड से शुरुआत कर पाया। बाद में वो प्रोजेक्ट जो आप सब लोग ने देखा कि रुक गया था, तो जैसे दसौलपुर मैडम MLA बनने के बाद फिर मैडम ने हमको बताया कि ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार में लेके बात करके उसको रिवाइज स्कीम सेंक्शन करके करीबन 34 करोड़ का हमने सेंक्शन करा के वो प्रोजेक्ट जो है तैयार होके आज अंजाव के वासियों और यहाँ के बच्चों जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम लोग डेडिकेट कर पाया है। और साथ ही साथ यहाँ हाईवे आने के बाद में यहाँ में जो अपना 1980s में जो VKV स्कूल जो गठन किया गया, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब लोग ने देखा उस जमाने का SP टाइप बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था, तो उसको हम लोग BAPP से सेंक्शन करा के अभी स्कूल्स के लिए भी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने डेडिकेट करके उद्घाटन किया है। और आने वाला दिनों में भी मैडम का स्पीच में जो 2 पॉइंट मेमोरेंडम में सेकेंड मेमोरेंडम जो है VKV स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था, वो तो मैं पूरा एश्योर करेंगे VKV संस्था जो है अरुणाचल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए VKV हाइवलियांग को हम लोग और भी हैंड होल्डिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग रिप्लेस करेंगे। और जैसे आज यहाँ पे उद्घाटन में और भी कई सारा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, तो रोड फ्रॉम हाइवलियांग टू मंचल फर्स्ट फेज में जो 10 किलोमीटर का था इंक्लूडिंग 35 मीटर स्ट्रेंथ ब्रिज, इसके बाद VKV के बारे में आप लोग को बताया, इसके बाद जुबिलाइन ऑब्जर्वेशन होम इसका भी उद्घाटन हुआ, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड सब्सक्रिप्शन ब्रिज स्टिल डेकिंग ओवर लोहित रिवर टू कनेक्ट लामालिंग विलेज 320 मीटर्स का ये ब्रिज है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सर्कल ऑफिस चबला काम इसको भी हम लोग ने उद्घाटन किया, और स्टील ब्रिज इन PMJSY PWD रोड टू ग्लोथोंग ओवर अत नाला ये 34 मीटर्स का स्टील वैली ब्रिज, और स्टील वैली ब्रिज इन PMJSY PWD रोड ग्लोथोंग ओवर डे रिवर ये 58 मीटर्स का ये ब्रिज है। तो इन सारा प्रोजेक्ट को आज हमने उद्घाटन किया हुआ है, और सरकार की ओर से राज्य सरकार की ओर से इन सारा प्रोजेक्ट जो आज उद्घाटन हुआ है अपना अंजाव डिस्ट्रिक्ट के आप सभी जनता के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के तरफ से आज हम डेलीगेट करते हैं। रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुआ तो उसका न्यूज़ आप लोगों को पता है, हमारा 3 वुशु खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्शन हो गया वुशु में, और उस वुशु का अपना एशियन गेम्स का वेन्यू था चाइना में, तो चाइना का तो हरकत पता है ही है आपको, जब भी अरुणाचल का नाम आता है तो वीज़ा में वो लोग ट्विस्ट कर देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा 3 खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए चाइना जा नहीं पाया। तो मैं 3 खिलाड़ी को मिला तो काफ़ी डिमोरलाइज था, तो मैंने कहा अपना स्पोर्ट्स पर्सन को कि आपको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंतर्गत आप 3 खिलाड़ी को अपना स्टेट का अवार्ड 20 लाख सभी को हमने करके दिया हुआ है, कोच को भी हमने प्राइज दिया हुआ है, और ये कहा कि एशियन गेम्स जो है चाइना में ख़त्म नहीं हो रहा है, नेक्स्ट एशियन गेम्स जो है 2026 वो टोक्यो में ऑर्गेनाइज करेंगे जापान में, तो वहाँ में मैंने कहा कि आप लोगों को इवन वुशु का बेस्ट जो कोचिंग सेंटर है वो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में आपको हम राज्य सरकार की ओर से भेजेंगे वहाँ प्रैक्टिस करना 2026 में। आई एम वेरी होपफुल कि वुशु में ये हमारा जो खिलाड़ी दोबारा फिर देश को रिप्रेजेंट करने में वो लोग क्वालिफाई होंगे, और 2026 में वुशु जो है वो चाइना में ही गेम है, चाइना में ही गेम को टोक्यो में हम लोग अरुणाचल प्रदेश चाइना को ही हराएंगे, इस प्रकार का टारगेट रखने के लिए मैंने ये निर्देश दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ एक दो इश्यूज जो मैडम का स्पीच में भी उन्होंने जो जिक्र किया है और हमको जो यहाँ के पार्टी के लोग ने ब्रीफ किया है कि
शायद वैसे तो यहाँ अपोजिशन तो यहाँ पे नहीं है। आज अपना फॉर्मर चीफ इंजीनियर लुपालुपी जी भी अभी बीजेपी में ज्वाइन हो गया है, तो इनको भी हम स्वागत करते हैं। इनका थोड़ा सा बीच में ऑफ ट्रैक हो गया था, मैंने इनको बहुत पहले समझाया था, मगर कोई बात नहीं, आपको भी कभी ऐसा हो जाता है। तो वैसे तो इनका सोच विचार तो अपना विचारधारा हम लोगों का एक ही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जरूर हो गया था, लेकिन घर आया तो अभी परमानेंटली आना है। तो पार्टी की ओर से भी हमें बताया कि एक दो इश्यूज को लेके थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहिए सरकार की ओर से। तो हलाई पानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, आप सबको पता है ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। 2012 में एक बड़ा फ्लड आने के कारण से वहाँ का पावर हाउस को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और उस पावर हाउस डिस्ट्रॉय करने के बाद मे भी वहाँ पे ऑन वे में हमने भी देखा था। तो एनीवे अभी मैं हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को मैंने इसका स्टेटस पूछा, तो कमिश्नर हाइड्रो पावर ने हमको व्हाट्सएप में भेजा कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए ऑलरेडी रीजनल फॉरेस्ट ऑफिस शिलोंग में यहाँ से भेजा हुआ है, और इसका टीईसी क्लियरेंस ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे ही हमारा जो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाने के बाद में हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट का टारगेट है कि विद इन 30 मंथ्स ये प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए डेडिकेट करेंगे। अभी इलेक्शंस का भी बहुत जल्दी मार्च 1 वीक तक या फरवरी लास्ट तक इलेक्शन का भी घोषणा हो जाएगा, और पूरा उम्मीद है, जैसे अभी यहाँ में तो कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं, सब कमल का ही फूल खिला हुआ है। और टिकट का जो है, आप सबको पता है कि टिकट कहाँ में गिरेगा, मगर ये जैसे एक फॉर्मेलिटी का ही पार्ट है। तो मैडम पुल यहाँ पे है, उनके साथ में आप लोग अच्छा से काम देना है, और लुपालुम जी साहब जैसे मैंने कहा कि अपना पुराना जान पहचान है, अच्छा ऑफिसर है, उनको भी हम लोग बातचीत करते हुए अगर टिकट मिलता तो लुपालुम साहब की आप कीजिए, अगर टिकट नहीं मिलता तो आप भी मैडम का पूरा सहयोग आपको करना है, आपको घर में ही बैठना है। इस बार तो मैं जाने नहीं दूंगा, उनको पकड़ के ही मैं रखूंगा, अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो उनको पकड़ के ही रखूंगा, और मैडम को भी पकड़ के रखेंगे, अगर मैडम को टिकट नहीं भी मिलता है तो मैडम को भी पकड़ के रखेंगे। एनीवे पॉलिटिक्स तो देखो आएगा जाएगा, ये बराबर नहीं है। तो पॉलिटिक्स को मैं हमेशा एक प्रोफेशन का तौर पर हम देखता हूँ, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर्स जो होता है, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। पॉलिटिक्स में दोस्ती भी परमानेंट नहीं होता है, दुश्मन भी परमानेंट नहीं होता है। कल परसों बिहार का एग्जाम्पल देखा ना आप लोग। तो पॉलिटिक्स जो है प्रोफेशन ही है। तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, खास करके ये ट्राइबल के उसमें ट्राइबल सोसाइटी में हम लोग इतना सीरियसली पॉलिटिक्स को ले लेता है, आपस में रिश्तेदार में बातचीत नहीं करता है, गाँव वाला का आसपास में पार्टी बाजी करके आना जाना भी नहीं रहता है। तो ये अपना समाज के लिए एक्चुअली ठीक नहीं है। ये बाकी का मेन इंडिया में अगर आप लोग देखिएगा, इस प्रकार का पॉलिटिक्स नहीं होता है। तो इससे हम लोग उभर के अभी आना चाहिए। वी हैव टू लुक पॉलिटिक्स ऑल्सो एज एन प्रोफेशन। MLA और MP जो है दे आर पार्ट ऑफ दी लेजिस्लेशन बॉडी मेकिंग। MLA का काम क्या होता है, आप लोग यहाँ से MLA चुन के भेजता है, भेजने के बाद MLA का काम होता है असेंबली में जो पॉलिसी में डिस्कस करने का, वहाँ में अपना एरिया का अगर ब्रॉड इश्यूज गवर्नमेंट का अटेंशन नहीं आया तो उसको फ्लैग करने का। उस असेंबली में बहुत सारा प्रोविजन होता है MLA को वहाँ में पार्टिसिपेशन के लिए, मगर इन जनरल अरुणाचल में जो मैंने कहा कि पुराना जो प्लानिंग प्रोसेस का कारण से MLA और हमारा MPs को इतना परेशान कर देता है पब्लिक, MLA को काम मांगने के लिए MLA का पास जाता है, इतना परेशान कर देता है, MP का पास जाके परेशान कर देता है। एक्चुअली MP और MLA उनका हाथ में जो पावर है, उनका MLA लेस फंड और MP लेस फंड यही है। MLA का पास में अभी शायद 3 करोड़ का होगा, वो भी हमने ही बढ़ा के दिया, 3 करोड़ का ही वो एक्चुअली अपना स्कीम बना सकता है। MP का केवल 5 करोड़ है MP लेस का, बाकी जो सेंक्शन करना है, बाकी जो प्लान प्रोग्राम जो करना है वो सरकार का जिम्मेदारी है। सरकार मतलब कौन, मुख्यमंत्री यहाँ पे राज्य में, केंद्र में हो गया प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री का साथ में देने के लिए मुख्यमंत्री ने वेरियस मिनिस्टर्स को अपॉइंट करके रखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को एसेस करने के लिए वेरियस यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करके रखा हुआ है। एक्चुअली गवर्नेंस में सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो इसलिए हम लोगों को इसलिए ये प्लानिंग का साथ में कनेक्टेड है इस चीज़ को भी, इसलिए प्लानिंग को रिफॉर्म करने का बाद तो हम लोगों का ये माइंडसेट भी धीरे धीरे अभी राइट चैनल में आ जाएगा। सो एनीवे जिस पोजीशन में भी हम लोग हैं, हम लोग अपना सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सरकार को आप लोग अच्छा सजेशन दीजिए, सरकार काफ़ी एक इंक्लूसिव एक सरकार है, सबका सजेशंस हम लोग लेते हैं, इवन बजट में भी सबका सजेशन लेते हुए हम लोग बजट बनाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। बाय ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।